हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम मेनली ट्रेडिशनल अप्रोचेस पर चर्चा करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। बट देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया, जिसमें हमने देखा था कि जो अप्रोचेस होते हैं वो एक वे ऑफ डीलिंग होते हैं किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। वही मेथड जो होता है वो लिंक होता है डाटा टू थ्योरी, एंड देन जो टेक्निक होती है वो लिंक होती है मेथड टू रेलेवेंट डाटा। आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखें, जो कि वेरी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करने में। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आखिरकार इंस्टीट्यूशंस होती क्या हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो एक सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं उनको कैरीड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी कैसे वर्क कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम मेनली देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड कैसे उनकी वर्किंग प्रोसेस होती है। इवन आपके जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूशंस ही हैं। बट ये जो डेफिनेशंस है या फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये केवल कॉमन लैंग्वेज के लिए है। इसमें जो हम मेन चीज़ देखते हैं वो ये होती है कि कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर और एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और कस्टम, कि जो इंस्टीट्यूशंस हमने एस्टेब्लिश करी हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं या नहीं, जो लॉ है अभी जो कस्टम जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोसेस कर रही हैं या नहीं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम मेनली कंपैरिजन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी की जुडिशरी का, एंड देन जो भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सिंपली पुट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है इसमें हम मेनली जो चर्चा करते हैं वो होती है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हम इसमें मेनली कंपेयर करते हैं इंस्टीट्यूशंस का। जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं अपर हाउसेस का हमारे इंडिया से यूनाइटेड किंगडम की, तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आ जाता है। सो वन वर टू स्टडी द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द अपर हाउसेस इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, वन वुड स्टडी द अपर हाउसेस इन सेवरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज। जस्ट एग्जाम्पल, द राज्यसभा इन इंडिया एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूनाइटेड किंगडम। द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हाउएवर नॉट ओनली मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, इट रिमेन्ड मोर और लेस द प्रीडोमिनेंट अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप टू द 1950s। देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये हेल्पफुल होता है कंपेयर करने में किसी भी स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड अदर फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस को। बट ये इग्नोर भी करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। देखिए, अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं कि लार्जली लीगलिस्टिक होती है, ये सब लीगल वर्क से ही होती हैं जो भी इंस्टीट्यूशनल चलती हैं, स्पेकुलेटिव होती हैं, नॉर्मेटिव होती हैं, एंड प्रिस्क्रिप्टिव होती हैं। देन ये फिलोसफिकल हैं, हिस्टोरिकल हैं, और लीगलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी है।
अगर इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो ये जो है ये बढ़ावा कर देता है यूरोसेंट्रिज्म को एंड इथेनोसेंट्रिज्म को। ये जो है ये यूरोप को सेंटर में मानकर चलता है एंड जो वेस्टर्न जो कल्चर है सिर्फ उसको ही मानकर चलता है। इसमें इवॉल्व होती है एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस अप्रोच हैज़ ऑल्सो बीन इट्स एथेनोसेंट्रिज्म। द मेजर वर्क्स विच आर सीन एज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स have concerned themselves only with governments and institutions in western countries। देखिए अगर हम इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं तो ये जो है बढ़ावा देता है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट्स को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट या फिर प्रेशर ग्रुप्स को। अगर हम इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं एरिस्टोटल, पॉलीबियस, ब्राइस, सार्टोरी एंड सो ऑन। ये जो हैं इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। आइए अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल अप्रोचेस के बारे में। ये जो है ये कंपेयर करता है टू और मोर हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ मेजर पॉलिटिकल फिनोमिना को। जैसे कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें कि 1947 से जब हमारा जो कंट्री थी वो आज़ाद हुई एंड देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले क्या था एंड देन उसके बाद क्या है, क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं अगर आप उसको कंपेयर करते हैं उससे पहले अमेंडमेंट्स किसे, तो ये क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच है। आप हिस्ट्री के जो भी चीज़ हुई हैं उसको आप कंपेयर कर कर चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेवोल्यूशंस की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके पहले की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी एंड देन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका उसके बाद क्या है प्रेजेंटली, तो इसको हम कंपेयर कर कर चलते हैं। इसमें हम कंपेयर करते हैं जैसे किसी भी हम नेशन स्टेट को ले लें एंड उसके जो कंट्रीज़ हैं उसी के साथ उसको कंपेयर करें कि कैसे डेवलप हुए वो, तो ये भी एक हिस्टोरिकल अप्रोचेस है। जैसे कि आप कंपेयर करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को रशियन रेवोल्यूशन से हिस्टोरिकल बेस पर, टाइम के एंड स्पेस के बेसिस पर, तो ये भी क्या है ये हिस्टोरिकल अप्रोच है। जैसे कि आप जानते हैं कि एरिस्टोटल ने 150 कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टडी किया, कंपेयर करा एंड जो हाइपोथेसिस दी वो बड़ी ही अचंभित करने वाली थी। सो परहैप्स द ओल्डेस्ट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट वॉज मेड बाय एरिस्टोटल हु स्टडी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस इन ग्रीक सिटी स्टेट। देखिए जो हिस्टोरिकल अप्रोच है इसके अंदर जो फिलोसफर होता है या फिर जो साइंटिस्ट होता है वो हिस्ट्री के बेसिस पर ही कंपेयर कर कर चलता है, ठीक है, वो डेवलप कर देता है कैजुअल रिलेशनशिप को अबाउट स्पेसिफिक फिनोमिना एंड फिर ड्रॉ करता है जनरलाइजेशंस, फिर उसके बाद डेवलप एंड टेस्ट की जाती हैं हाइपोथेसिस। इस तरीके से होता है हिस्टोरिकल अप्रोच। सो द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एट दिस स्टेज वॉज मार्क्ड बाय व्हाट मे बी कॉल्ड एन इंटर रिलेशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यूज। वो इंटर रिलेशन जो है उसको क्रिएट कर देता है फैक्ट एंड वैल्यूज के बीच में। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें इसमें एग्जांपल आ सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द फ्रेंच, रशियन एंड चाइनीज रेवोल्यूशंस जो कि स्कोपॉल ने किए थे। हिस्टोरिकल जो अप्रोच है इसमें आप जो हिस्ट्री है उसको आप एक जेनेटिक की तरह डील करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो फिनोमिना है वो कैसे इवॉल्व हुआ या फिर डेवलप हुआ, इसलिए ये जेनोलॉजिकल भी है।
हिस्टोरिकल अप्रोचेस में हम जो कंपेयर करते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ। इसमें मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है टू रोल ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी इन मेकिंग हिस्ट्री, कि जो इंडिविजुअल की जो एजेंसी थी उसका कितना रोल रहा है, कितना योगदान रहा है मेकिंग हिस्ट्री के, हिस्ट्री में। अगर इसके स्कोप के बारे में बात करें तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, जिसके अंदर आता है मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स, जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं वो सभी हिस्टोरिकल अप्रोचेस में आते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल क्राइसिस, रेवोल्यूशन, नेशन स्टेट वॉर्स एटसेट्रा, ये सब इसी के स्कोप हैं। अगर इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो इसमें जैसे फ्यू केसेस ऐसे भी हैं जो सुपरफिशियल हैं कंपैरिजन, ठीक है। देखिए, जो मकैवेली थे और जो मॉन्टेस्क्यू थे, उनका जो इम्फेसिस था वो सबसे ज़्यादा किस पर था, एम्पेरिकल डिटेल्स एंड फैक्ट पर था, ठीक है। विद मकैवेली द प्रिंस इन द 16th सेंचुरी एंड मॉन्टेस्क्यू द स्प्राइट ऑफ लॉज इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी द एम्फेसिस ऑन एम्पेरिकल डिटेल्स एंड फैक्ट अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स केम टू बी एस्टेब्लिश्ड। अगर इसमें हम मेन कंट्रीब्यूटर्स की बात करें या प्रोमिनेंट्स की बात करें तो इसमें जो रहे हैं वो सबसे पहले नाम आता है मकैवेली का, देन होब्स, लॉक, मार्क्स, लास्की एंड रोशियू का। देन आइए अब बात करते हैं नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच। ये जो है ये लास्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, ये जो है ये सबसे ज़्यादा पुराना अप्रोच है, प्री पॉलिटिकल साइंस एरा इन विच फिलोसोफर सच एज सोक्रेट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल एनालाइज एंड प्रिस्क्राइब आइडियल स्टेट एंड सोसाइटी। देखिए, जो अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर सोक्रेट, प्लेटो एंड जो एरिस्टोटल थे, इन तीनों ने ही एनालाइज किया एंड प्रिस्क्राइब किया कि आइडियल स्टेट या फिर आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। देखिए, जो ये अप्रोच है ये वैल्यू लोडेड अप्रोच है, ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है जो नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा मानता है, ये इथिकल बेस्ड अप्रोच है, ये डिडक्टिव है एंड स्पेकुलेटिव है। इसका जो एम है वो ये था कि जो आइडियल स्टेट या फिर जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, या फिर जो सोसाइटी है या फिर जो स्टेट है वो आगे कैसी हो सकती है या फिर कैसी होगी, इस चीज़ की ये खोज थी। इसलिए सबसे पुराना अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच में। इस अप्रोच में जो खोज थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि आइडियल स्टेट या सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इवन इसमें ये भी एक खोज थी कि जो आइडियल पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी वो कैसी होगी और कैसी बिहेव करेगी पर्सन्स के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ। इसमें जो मेथड अपनाया गया खोज करने के लिए वो था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, रीजनिंग के बेस पर था, मॉरल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर था, फॉर्मल लॉजिक एंड एनालिटिकल फिलॉसफी के बेस पर था। अगर हम इसके स्कोप के बारे में बात करें तो ये स्कोप जो है इसका वो है स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स, ये तीनों ही स्कोप हैं नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोचेस के। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो इसके ड्रॉबैक्स हैं स्पेक्यूलेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, लेस फैक्चुअल, हाइपोथेटिकल, स्टेट टेकन टू मिस्टेरिकल हाइट्स। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं वो हैं एरिस्टोटल, रोशियू, कांत, हेगल, टीएच ग्रीन एंड बर्लिन, ये जो हैं इसमें मोस्ट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोचेस में। देखिए, इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है इसके कुछ और फीचर्स भी थे, जैसे कि इट इज़ जनरली एग्रीड डेट एनी अप्रोच और इंक्वायरी इनटू अ प्रॉब्लम डिस्प्ले सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेनिंग टू ए सब्जेक्ट मैटर डैट इज व्हाट इज बीइंग स्टडीड, बी वोकैबुलरी, दी टूल्स और दी लैंग्वेज एंड सी द चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव विच डिटरमाइन
the vantage point and indicate the direction from and to what purpose inquiry is directed at. So, if the features of the institutional approach were considered against each of these three counts, it may be seen as marked out by first jo hai, wo hai its concern with standing institutions of government and the nature of distribution of power, that is constitutions, legal formal institutions of governments. Then B jo hai, wo hai its largely legalistic and frequently speculative and perspective oblique abstract terms and conditions like the ideal state and good order. And C, जो लास्ट पॉइंट था वो था अ फिलोसफिकल हिस्टोरिकल और लीगलिस्टिक पर्सपेक्टिव. सो ये कुछ मेन फीचर्स हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स.